सब्सक्राइब करें News89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। आज राजपुरा की पंजाबी कॉलोनी में सुबह लगभग 7 बजे के करीब एक मकान के चुबारे में भयंकर आग लग गई, जिस पर उक्त मकान के मालिक श्री राजीव गर्ग ने राजपुरा के फायर ब्रिगेड को इस आग के बारे में सूचित किया, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए राजपुरा फायर ब्रिगेड की टीम सरदार गुरचरण सिंह की अगुवाई में मौके पर पहुंची और उक्त मकान के चुबारे में लगी आग को बड़ी मशक्कत के बाद टीम द्वारा काबू पाया गया। उक्त आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, मगर इस आग के कारण मकान के चुबारे में रखा सामान जलकर राख हो गया, जबकि फायर ब्रिगेड कर्मचारियों द्वारा तुरंत आग पर काबू पा लेने से आग को दूसरे कमरों में फैलने से रोक लिया गया, नहीं तो बड़ा नुकसान भी हो सकता था। जब इस मामले के बारे में पंजाबी कॉलोनी में स्थित उक्त मकान के मालिक श्री राजीव गर्ग से बात की गई, तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जानी माल कोई नुकसान नहीं होया, लेकिन बेड बुड सोफे वगैरा फर्नीचर सड़ गया, बिजली का कुछ पता लगे भी नाल मंदिर भी सीगा शायद। हां जी, शायद कुछ नहीं कह सकता जी, देखा नहीं है, क्योंकि अग लगी ही सानू पता लग गया। जब उक्त आग पर बड़ी मशक्कत से काबू पाने वाली राजपुरा फायर ब्रिगेड की टीम की अगुवाई कर रहे सरदार गुरचरण सिंह से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि आज सवेरे सवेरे ना पंजाबी कॉलोनी तो कॉल आई कि आग लग गई है घर च। हाँ जी, तो मौके से अभी 2 मिनट ही पहुंच गए। हाँ जी, आके देखा इतने पूजा रूम च आग लगी थी। हाँ जी, एक बेड सीगा। हाँ जी, टोटली सड़ के तबाह हो गया, बहुत ज्यादा धुआं थी। हाँ जी, 10 मिनट च आग नु काबू पा लिया गया। अच्छा, जानी माली सारा नुकसान तो बचा हो गया। हाँ जी, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ? ਬਸ ਕੁਛ ਖਾਸ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੈਡ ਹੀ ਸੀਗਾ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਕੁਛ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਾਫੀ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। राजपुरा फायर ब्रिगेड की टीम ने समय पाते ही उक्त मकान में लगी आग पर काबू पा लिया, नहीं तो आग सभी कमरों में भी फैल सकती थी और बड़ा नुकसान भी हो सकता था। राजपुरा से कैमरामैन ललित कुमार के साथ मीडिया पर्सन संदीप चौधरी, News89। सब्सक्राइब करें News89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद।